प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। लोन या उधार जीवन में हर किसी को कभी ना कभी लेना होता है। यह कीचड़ की दलदल के समान है, लेकिन इसे चुकाना बड़ी जिम्मेदारी होती है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसका लोन समय से चुक जाए, लेकिन परिस्थिति कई बार उलझा देती है और लोन एवं उधार चुकाना कठिन होने लगता है। आपको कुछ ऐसे ज्योतिषीय टिप्स बता रहे हैं जिन्हें आजमाकर आप आराम से लोन लेकर चुका भी पाएंगे और उधार एवं लोन लेकर परेशान भी नहीं होंगे। तो आजमाकर देखिए लोन और कर्ज के इन उपायों को। इस वीडियो के माध्यम से पूरा देखिए और यह उपाय कीजिए और आप अपने जीवन को सरल, सुंदर और उत्तम बनाइए। रुपये पैसे के मामले में आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, खास तौर पर जब आप किसी से उधार या कर्ज लेते हैं, क्योंकि कर्ज लेने के बाद या कर्ज देने के बाद पैसों का वापस मिल पाना और कर्ज को चुकाना बड़ी जिम्मेदारी होती है। कई बार तो कर्ज चुकाने में असफल हो जाने पर बेहद मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए धन के लेन देन और लोन के मामले में ज्योतिषीय, खासकर ज्योतिष शास्त्र के कुछ ज्योतिषीय उपाय हैं और कुछ नियमों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप लोन या उधार दे रहे हैं तो ज्योतिष शास्त्र में बताए गए नियमों को ध्यान में रखें। आपको पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्वा भाद्रपद एवं उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद इन 6 नक्षत्रों के दौरान किसी को भी ऋण या उधार नहीं देना चाहिए। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। इनके अलावा कृतिका, मघा, रोहिणी, विशाखा, अश्लेषा, भरणी, मूल इन 7 नक्षत्रों को भी उधार देने से आपका पैसा बड़ी ही कठिनाई से वापस मिल पाता है। लोन और उधार के लिए यह 4 दिन सर्वोत्तम है। यह 4 दिन काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। आपको अगर लोन या उधार लेने की ज़रूरत हो तो सप्ताह के इन 4 दिनों में लोन लें। ज्योतिषीय मत है कि सोमवार, गुरुवार, रविवार और शुक्रवार को कर्ज लेते हैं तो आप उसे जल्दी अपना कर्ज और लोन चुकाने में सक्षम होते हैं, जिससे आपको कर्ज से जल्दी मुक्ति मिल जाती है। उधार और कर्ज देने वाले का पैसा भी समय से मिल जाने से आपसी जो छवि है और आपसी जो संबंध है और आपकी उनकी नज़रों में जो छवि है वह बेहतर होती है। फटाफट लोन चुकाना है तो ऐसे करें किस्त जमा। मंगलवार का दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऋण लेने के लिए शुभ नहीं होता है। इससे कर्ज चुका पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। लेकिन अगर आप लोन या उधार ले रहे हैं और जल्दी कर्ज से मुक्त होना चाह रहे हैं तो फिर शुक्ल पक्ष के किसी मंगलवार को पहली किस्त आप जमा करें। मंगलवार से कर्ज चुकाने की शुरुआत अच्छी मानी गई है। इससे आय आपको, आपकी जो आय है वह लगातार बनी रहती है, मतलब उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है और समय पर कर्ज चुका पाना आसान होता है। धन वृद्धि के उद्देश्य से निवेश करने की अगर सोच रहे हैं तो इसके लिए बुधवार का दिन सबसे अच्छा माना गया है। आप इस दिन बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, शेयर, SIP में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऋण या उधार के तौर पर बुधवार को पैसा किसी को देंगे तो हो सकता है कि दिया गया आपका पैसा, जमा किया गया आपका पैसा, मेहनत का पैसा आपको समय पर नहीं मिले या पैसा पाने के लिए आपको काफ़ी
परेशानी उठानी पड़े। इसीलिए बुधवार को कर्ज या उधार में पैसा देने की बजाय सेविंग में लगाएं, जो आपके सेविंग्स को बेहतर करे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आप मुझे सभी सोशल साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।